यूपी के लखीमपुर में दो नाबालिग दलित बहनों की लाश बुधवार को मिली, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना लखीमपुर के निघासन कोतवाली में हुई है। यह गांव के बाहर किशोरियों की लाश गन्ने के खेत में पेड़ से लटकी हुई मिली। वहीं इस केस में यूपी पुलिस ने कुछ 6 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी की है। हम आपको लखीमपुर केस की 15 बड़ी बातों के बारे में बता रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, बुधवार देर शाम लखीमपुर खीरी से तमोलिनपुरवा गांव के बाहर खेत में दो नाबालिग दलित बच्चियों का शव पेड़ से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़ित की मां ने कहा कि 3 युवक बाइक से आए और बेटियों को जबरदस्ती उठाकर ले गए। अपहरण के बाद उनके साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद हत्या हुई। वो लालपुर के रहने वाले हैं। उनमें से एक उजली बनियान में था, दूसरा पीली बनियान में और तीसरा नीली बनियान वाला बाइक चला रहा था। घटना पर यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि लखीमपुर में दो बहनों के शव उनके घर से कुछ दूरी पर पेड़ पर लटके मिले हैं। एसीपी मौके पर मौजूद है। परिजनों से मिली शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया जाएगा। हर पहलू की जांच होगी। इस केस की जांच आईजी लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह कर रही हैं। जी हां, आपको बता दें, इसके बाद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि लखीमपुर की घटना बहुत ही दुखद है। सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है और सरकार सीधे नजर बनाए हुए है। लखीमपुर की घटना का पर्दाफाश हो गया है। आरोपियों ने पहले बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, फिर हत्या करके लटका दिया। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि इस मामले में सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी कि इन अभियुक्तों की आने वाली पीढ़ियों के रुख कांपेंगे। सरकार पीड़ित परिवार के साथ है, हर स्थिति में उन्हें न्याय मिलेगा। मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और शीघ्र से शीघ्र सजा दिलाई जाएगी। जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लखीमपुर की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। अपराध करने वाला एक भी अपराधी बच नहीं पाएगा। उनके खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जो एक मिसाल बनेगी। मैं विपक्ष के नेताओं से अनुरोध करूंगा कि ऐसे समय में राजनीति करने की जगह पीड़ित परिवार का सांत्वना देने का काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।